हाँ जी, राम राम। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है फ्राइडे और बज रहे हैं अभी सुबह के 8, और साथ ही मैंने यहाँ पे सार्थक को सुला दिया है और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं चपातियाँ बना रही हूँ यहाँ पे, और बच्चे के साथ ना पता क्या बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, तो इसीलिए ना मैंने इसका बेड यहीं पे साथ में लगाया है। तो यहाँ पे मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और रोटी भी पक जाती है साथ में, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है छोटे बच्चे के साथ। और मैंने ना यहाँ पे फ्रेंड्स वॉइस ओवर किया है क्योंकि पीछे ना बच्चे की आवाज़ आ रही थी, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा शोर शोर सा लग जाता, तो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है यहाँ पे। और रोटियाँ मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, तो मैंने दाल चावल पहले ही बना दिए थे और रोटियाँ मैंने अब बना दी हैं। और गांव में ना हम फ्रेंड्स से चूल्हे पे ही बनाते हैं ज़्यादातर रोटियाँ। आजकल बरसात के दिनों में थोड़ी मुश्किल तो हो जाती है, बट मुझे ना चूल्हे पे ही पसंद है ज़्यादातर रोटियाँ, मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ। सारा खाना मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ हो सके तो, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है कभी, जैसे कोई जल्दी कहीं जाना है, तब ज़्यादातर हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं सार्थक को एक गाना सुना रही थी क्योंकि वो ना रोने लग गया था, और साथ साथ में खाना बनाते हुए उसको गाना भी सुना रही थी ताकि वो चुप हो जाए। तो खाना खुना बनाने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैंने धोए थे कपड़े। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं गई थी मायके, और 4-5 दिन में बहुत से कपड़े हो गए थे धोने को घर में, और इनको मैंने धोना स्टार्ट किया और मशीन ही लगाई है कपड़े धोने के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी। और मशीन में भी ना पता क्या होता है, जो तो थोड़े कम मैले कपड़े होते हैं वो तो साफ़ हो जाते हैं, पर जैसे गांव के जो होते हैं ना कपड़े, खेतों के और बच्चों के बहुत ज़्यादा मैले होते हैं कपड़े, तो वो ऐसे साफ़ नहीं होते। तो मैं उनमें थोड़ा थोड़ा साबुन सर्फ़ दोबारा लगा रही हूँ, डिटर्जेंट, और दोबारा से मैं उनको चलाऊँगी जो मुझे ज़्यादा मैले लग रहे हैं कपड़े। तो मैं तो इसी तरह से धोती हूँ, आप लोग किस तरह से धोते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, आप भी बोलेंगे कि क्या दिखा रही है। और ये देखिए, इतने सारे हो गए थे ये कपड़े धोने को 2-3 ही दिन में, और बहुत सारे थे, और पूरी तार भर दी थी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े धो के, और मशीन चलाई हुई थी साथ में। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बार बार एक ही चीज़ देख के आप बोर हो जाएंगे। और तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और कपड़े धो दिए हैं मैंने और अब डाल रही हूँ मैं उनको सूखने के लिए, और साथ में मेरी नैना भी चल रही है साथ में, और इसको मैंने नहलाया था और इसने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह गुत नहीं बांधी है आज भी, और बिल्कुल ऐसे ही घूमती है ये, बाल बिखरे हुए खुले छोड़ के। तो मेरे साथ पूरी हेल्प करती है काम में, जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ वहाँ साथ साथ घूमती है ये, और यहाँ पे भी ये मेरे साथ ही आई है। और यहाँ पे मैं कपड़ों को डाल देती हूँ, मैंने ना सारी जो तारें थी ना कपड़ों की उभर दी थी, और उसके बाद फिर अब कहाँ डालूँ, तो फिर मैंने जो ये हमारे जंगला था यहाँ पे डाल दिए मैंने। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, शायद आप लोग भी जानते होंगे, तो ये क्या चीज़ है और आपके क्या बनाते हैं ये? तो हमारे पता क्या है, हमारे ना गाय ब्याई हुई है, ब्याणी से मतलब बच्चा दिया है उसने, सूणी बोलते हैं वैसे तो हमारे, ब्याणी भी बोलते हैं, और उसके जो पहले दूध का बनाते हैं ना वो ये बनाते हैं, तो हमारे इसको पीयूष बोलते हैं, कई जगह पे इसको बोली भी बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है ये, टेस्टी होता है खाने में। और ये है उसी गाय का 4-5 दिन बाद का दूध ना, और इसमें डाल दिया मैंने गुड़, और इस तरह से हम इसको फाड़ते हैं ना दूध को, फट जाता है फिर ये, और फिर इसको बोलते हैं छेड़ा, तो छेड़ा बनाते हैं हम इसका और फिर खाते इसको, तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ऐसे भी खाते हैं। तो वैसे तो मैं इसको बनाना चाह रही थी ना, लेकिन ये फटा नहीं था, और तो आपको बता दिया मैंने वैसे कि इस तरह से होता है, लेकिन ये आज फटा नहीं था क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे ना गाय को ब्याई हुई, तो ये फटा नहीं ढंग से दूध ना। और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ना, ये मैंने 2 दिन पहले शूट किया हुआ था जब मैं खा रही थी उस टाइम, तो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी भाई किस तरह से बनाते हैं, तो मैंने ये इस तरह से बनाया था। और ये 3-4 दिन बाद का है क्योंकि मैं ना उस दिन दिखा नहीं पाई थी आपको वीडियो में,
तो ये 3-4 दिन बाद का है और आज मैं यही खाऊंगी। और इसको खाते हैं हम चपाती के साथ है, तो हम गुड़ घोलते हैं ना, और गुड़ से ये जो दूध फटता है ना अभी 3-4 दिन तक, ये वो दूध है फ्रेंड्स गाय का। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से चपाती को इसमें दूध में मिक्स करके अच्छे से, और फिर इसको मैं इस तरह से खाऊंगी। और इस तरह से ना ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस होता है इसका टेस्ट। आपने खाया होगा तो आपको पता होगा, जो गांव से हैं उन्हें तो पता ही होगा। हाथ से ही खाते हैं हम खाना, हम बहुत टेस्टी लगता है ये, चपाती के साथ खाते हैं ना हम ये, कई तो ऐसे भी खाते हैं, इतना ज़्यादा हमारे बच्चे पसंद नहीं करते। तो बस आज की वीडियो का इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बाय बाय।